उट द टाइम स्टार्ट दॉपिक्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटेरिग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है इस चैप्टर में यह मैं और इसका मतलब क्या है फास्ट सेंचुरी बिफोर बी सी अगर वी विल डिस्कस द सम एग्जाम्पल्स इन अवर बुक में मैंशन किए गए हैं हार्वेस्टिंग जो सिस्टम चैनल है फ्लड वाटर जो सबसे पहले जो आपके सामने पिक्चर है ये गंगा जो रिवर्स है इलाहाबाद के लिए पिक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट है तो हम एंसेंट इंडिया की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वाटर को हार्वेस्ट सिस्टम हमारा एंसेंट इंडिया में था वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल्स हियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अगर हम देखते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग अगर सिस्टम यहाँ हम देख रहे हैं तो वो भी हमें दिखाई देगा स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर वन इज इिगेशन सिस्टम एक्सट्रीमली बिल्ट तो काफी uh, अच्छी कंडीशन में ये बनाया गया है यू कैन सी ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है वी विल सी इन द नेक्स्ट पिक्चर सेकेंड एग्जाम्पल्स आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा होगा यू कैन सी दिस वन वन मोर इविडेंस यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ वी कैन से इरीगेशंस वर्क ऑल्सो फाउंड इन nargajun konda benur kolapur etc. aur और ये ye ये कहाँ था uh, Which type, where? In which states के अंदर ये बात की गई है कौन से states के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ये हमारे प्राचीन भारत के अंदर क्या थे इरीगेशन सिस्टम थे सपोस्टिकेटेड work. वर्क सी द examples. वन मोर example वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स दिस इज दन मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वीकेंसी इलेवंथ सेंचुरी बोफाल लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वॉज बॉल्ड बिल्ट इस समय की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कह सकते हैं जो बोफाल लेक बनाई गई थी ये उस टाइम की सबसे बड़ी थी uh, कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं इलेवंथ सेंचुरी में आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम आ जाते हैं मिडविल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम बात करें

It would be interrogate development of agriculture uh, and the village economy with the rapid industrialization and growth of the urban economy. So the Pandit Jawaharlal Nehru uh, said about the dams are the temples of modern India. this is most important. learn this Nehru What said Pandit Jawaharlal Nehru? The temples are dams are the temples of modern India. डेम तो uh, so, फिर डेम होते क्या एक्चुअली वोट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डेम्स के अंदर हम बात करेंगे कि डैम्स से हम समझते क्या एक्चुअली तो यू विल सी फर्स्ट द डेम्स डेम इज वी कैन से बेरियर क्या होता है बेरियर बेरियर अक्रॉस कहाँ होता है ये बेरियर डैम इज बेरियर वेर फ्लोइंग वाटर को रोकने का काम करता है आवश्यक करता है डायरेक्ट करता है रिट्राइड करता किसको फ्लो ऑफ द वाटर और क्रिएटिंग इं, वा, इंपाउंड इसका मतलब पानी को रोकना डेम का यूज क्या होता है जनरली हम पानी के फ्लो को रोकते हैं और इस पानी को स्टोर करते हैं और ये पानी फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज हम इनको करते हैं दीज आर द डैम्स अब यू कैन सी दिस पिक्चर ये किसकी पिक्चर है डेम की पिक्चर है और डेम को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया ने किस नाम से पुकारा था? मीडियम साइड कर सकते हैं हाई डेम्स कर सकते हैं या इनके मटेरियल बेस पे कर सकते हैं है, 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 इनको डेम बनने में क्या क्या यूज किया गया है? इस बेस पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यू कैन सी मोर पिक्चर अबाउट द डेम्स देर आर मेनी पिक्चर विच आर अबाउट तो आप डेम्स के बारे में समझ गए होंगे जनरली यूज क्या होता है रिवर uh, का जो फ्लोर्स को uh, पानी को जिससे हम क्या करेंगे फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं इस वाटर यूज फॉर द इगेशन एज ए ड्रिंकिंग वाटर तो यू कैन सी द मेनी पिक्चर ऑफ डेम यूज ऑफ डेम भाई हम क्या यूज करते हैं डेम्स का क्या क्या यूज है यूज ऑफ डेम्स फास्ट इज इरीगेशन फैला हम किसके लिए इरीगेशंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं नेक्स्ट वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी वाटर सप्लाई यूज करते हैं डैम्स क्या करता है फ्लड कंट्रोल्स करता है रिक्रिएशंस करता है और फिशिंग ब्रिडिंग के लिए भी डैम है तो वी कैन सी द डैम हम इन पर्पज के लिए यूज करते हैं तो आई थिंक नीड नोट टू मोर डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ डेम्स नाउ वी विल कम नेक्स्ट लाइट्स अब डैम के कुछ लिमिटेशंस हैं वी विल डिस्कस दिस क्या करती हैं डेम्स की लिमिटेशंस क्या है रिस्ट्रिक्ट नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर सेंडिमिटेशन रिस्ट्रिक्ट करती है कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो होता है उसको बैरियर की तरह काम करते हैं वी कैन से ये जो नेचर का एक्चुअली होना चाहिए रिवर जिस तरीके से फ्लो करती है उसको जबरदस्ती रोकना तो एक तो ये होता है इसका रोकियर स्टीम बेड्स मीन्स हम जो डेम्स के अंदर जो कलेक्शन करते हैं वाटर का आप इस एग्जाम्पल से यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर स्टोरिंग वाटर इन ए स्मॉल वी कैन से स्मॉल टैंक देन वॉट वुड यू फाउंड इन बॉटम इन द क्या आपको मिलेगा तल छट के जिसको बोलते हैं बॉटम्स के अंदर पूरे हैबिट्स फॉर रिवर्स एकटिक लाइफ सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है जितने भी uh, रिवर्स के सराउंडिंग uh, एरिया में रहने वाले जलीय जीव उनको नुकसान होता है जितने भी फना होता है उसका जितनी भी वेजिटेबल्स होती है और इससे जो सोइल्स हैं उसका भी इरोजन्स होता है और जो लोकल कम्युनिटीज रहती है अराउंड uh, तो उन लोगों को प्लेसेस को रिमूव होना पड़ता है तो दिस टाइप ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डेम्स डेम्स रिवर इन इंडिया अगर हमारी मैप के अंदर हम अगर डेम्स को डिस्क्राइब करते हैं इंडिया में तो जो रेड कलर में आपको शो कर रहा हूँ मैं वो क्या है दीज आर द डेम्स हैं यू कैन सी दीज आर द डेम्स शेजल प्रोजेक्ट्स यू कैन सी जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं कोटा बेराज कहाँ है राणा सागर कहाँ है राजस्थान में है जौहर सागर कहाँ है मध्य प्रदेश में गांधी सागर देख सकते हैं गुजरात में और हमारे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नर्मदा सरोवर के ऊपर जो बना है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर में मेंशन किया गया है डेम्स जर्नली जो इंडिया के अंदर हम डेम्स हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल डिस्कस मोर अबाउट द इरोनिकल सिचुएशंस कैसे डेम्स Dams आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लड्स वाटर हम कह सकते हैं डैम बनने से फ्लड कंट्रोल हुआ है बट इससे और क्या हमें नुकसान हुआ है वो भी बात करेंगे मोस्टली uh, uh, क्या होता है अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ जहाँ ज्यादा रेन होती है uh, उस समय क्या नहीं कर पाता ये कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़्यादा बरसात होने से क्या है डैम के जो गेट है ओपन कर दिए जाते हैं और इससे ज़्यादा मिट्टी क्या होती है सोइल इोजन होता है लेन डिग्रेशन होता है जहाँ अगर ज़्यादा हैवी रेन्स होगी तो रिजल्टेड uh, क्या होगा

अगर इसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं स्टोर करते हैं डिफरेंट वे में करते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनका यूज कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री यू कैन सी द डिफरेंट वे ऑफ स्टोरिंग द वॉटर आर्टिफिशियल वी कैन से अगर इसको स्टोर करते हैं तो हम क्या करें ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर रहे हैं और ये रिचार्ज हम किस तरीके से करते हैं और हम क्या करें जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो रहा है वाटर लेवल इनकी जो रहा है इफ वी कलेक्टिंग द वाटर इज स्टोर देन वी कैन से इट इज यूज फॉर वी यूज़ द पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर इन अमंग पार्ट्स में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं वी कैन से दिस इज़ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ़ डेवलपिंग कंट्री लाइक इन इंडिया रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर अगर हम पानी स्टोर करेंगे तो हमें जो ट्रीटेड वाटर है उसकी कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं और इससे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट्स भी होगा और इसके अलावा हम क्या कर, कर पाएंगे जो पानी को हम फिल्टर करने की जो एक अमाउंट्स खर्च करें वो भी रिड्यूस होगी नाउ वी विल डिस्कस की हमें आवश्यकता क्या नीड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या पहले तो हमारे पास जो पानी की जो आवश्यकता है जिस एरिया के अंदर वाटर नहीं है वहां अगर स्टोरेज करेंगे तो वहां उस पानी की उपलब्धता से बेनिफिट्स होगा तो दीज आर बेनिफिट्स वी कैन सी नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाउ वी विल डिस्कस द मेथड क्या होते हैं ग्रीन वाटर को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं इन हिल रीजन के अगर अंदर हम बात करते हैं तो पीपल क्या करते है? हैं डाइवर्जन चैनल बनाते हैं जैसे गुल्स और गुल्स ये कौन से होते हैं वी विल सी दिस पिक्चर सबसे ज्यादा मोस्टली हमारे देश में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इस पिक्चर देखने से कि हमने रूफ वाटर को हार्वेस्टिंग करके कहीं टांका बनाते हैं कहीं कुंड बनाते हैं इस तरीके से हम पानी का स्टोरेज करते हैं तो पिक्चर अपने आप में आपको एक्सप्लेन कर देगी वी विल डिस्कस मोर अबाउट रूफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज करते हैं हम पाइप यूज करते हैं पीवीसी वाटर फिल्टर भी होता है अब वो फिल्टर किस तरीके से करते हैं कई जगह कंकर यूज़ करते हुए करते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स हम करते हैं जहाँ भी हमने टैंक बना रखा है वहाँ जिससे क्या होता है एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और दूसरा क्या होता है ये एक जो इंडोनेशंस जो चैनल है जनरली ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर इस तरह के चैनल हैं या गली स्टोरिंग वाटर सिस्टम भी कह सकते हैं जो यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड है इरीगेशन के लिए ये किस स्टेट्स में यूज़ किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस यू कैन सी दिस इज फॉर्म इज नॉन एज ए इंडोनेशियन चैनल्स कह सकते हैं और जनरली ये कहाँ यूज़ किया जाता है uh, किस स्टेट्स के अंदर uh, किस स्टेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है साउथ सॉरी वेस्ट बंगाल के अंदर फ्लड्स वाटर इंटर्स द फ्लड थ्रू द इस चैनल से अगर पानी आएगा जिससे क्या होगा नॉट कैरिंग विद द रीच सिल्ड द फिश और अराउंड द स्ट्रीट टाइप इस तरह के चैनल बने होते हैं और जिसे आसानी से कर सकते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स भी कर सकते हैं जैसे राजस्थान का एरिया है वो एरिया वहाँ अंडरग्राउंड वाटर को हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं एरिड और सेमी एरिड का मतलब राजस्थानी जो एरिया है वहाँ टैंक्स के माध्यम से डिफरेंट वे भी हो सकते हैं राजस्थान में जो इस वाटर को करते हैं वो खड़ीन और जोहड़ होते हैं अब आपको जनरली में सीधा पिक्चर पे ले जाऊंगा कि जोहड़ और खड़ीन क्या होता है इस तरीके से वाटर को स्टोर करना क्या कहलाता है खड़ीन कहलाता है ये जैसलमेर में जनरली किया जाता है दूसरी पिक्चर आप देख सकते हैं ये जो वे है उसको जोहड़ कहते हैं राजस्थान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक इरिगेशन हमारी बुक में मैंशन किया गया है बंबू ड्रिफ इरिगेशन सिस्टम यानी बम्बू से हम इरिगेशन सिस्टम इसके चैनल बना करके पानी से किया जाता है कनेक्ट जहां पाइप की प्लेस पे बंबू यूज किया जाते हैं यू कैन सी इन दिस पिक्चर नेक्स्ट हम यहां डिस्कस करने वाले हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जनरली क्या होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ सरदार सरोवर डेम बनाया गया था इसमें जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश है एम पी महाराष्ट्र है राजस्थान गुजरात मूवमेंट चलाया गया था जो इन्वायरमेंटलिस्ट पीपल थे फार्मर थे वहां के नेटिव कुछ पीपल्स थे ट्राइबल्स पीपल थे इसलिए चलाया गया था कि इन सभी लोगों को एक इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा इन लोगों को भी ज्यादा नुकसान होगा जो यहाँ डिपेंडेंट थे तो इस uh, के अगेंस्ट चला गया तो जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा जो रिवर किन किन स्टेट्स में तो आप चार स्टेट याद रखेंगे राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश uh, के साथ आपको महाराष्ट्र को याद रखना है और यू कैन सी दिस द पिक्चर नर्मदा बचाओ आंदोलन तो वेल स्टूडेंट्स ये